तो आज जैसे कि आपको पता ही है, हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे, प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम लोग क्वेश्चंस तो करेंगे, ठीक है। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है कि आपको कुछ नहीं आता है प्रोबेबिलिटी में, तो इसकी एक वीडियो होगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है, कि वीडियो कैसे है। वीडियो बहुत अच्छी है, आप लोगों को समझने में आसानी हो। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट शार्प करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा दिक्कतें कम होंगी, ठीक है। चलिए प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी में हम लोग क्या याद रखेंगे, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला याद रखना मेरे को, ठीक है। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ की कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, वो याद रखना चाहिए आपको। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम्स, ठीक है, हर जगह यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोशिश करेंगे इसी से हो जाए, ठीक है। फेवरेबल मतलब जो हमारा फेवर करेंगे, और टोटल मतलब कितने आउटकम्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस बारे में देख लीजिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है इसका, ये फॉर्मूला आप लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन, अ नंबर इज सेलेक्टेड फ्रॉम द नंबर्स 1, 2, 3, 4 से लेकर 25 तक नंबर्स है। 1, 2, 3, 4 कार्ड्स में लिखे, तो नंबर नहीं कार्ड्स में लिखे, क्या 1, 2, 3, 4 से लेकर 25 तक, ठीक। देखते जरा क्या कहना चाह रहे हैं। नंबर है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 और क्या होता है 25 तक, पहला क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, टोटल कितने आउटकम हो सकते हैं, टोटल आउटकम कितने होंगे, 25 तक, 25 आउटकम होंगे, 1 से लेकर 25 तक कितने आउटकम होंगे, 25 आउटकम होंगे, ठीक है। अब उसने बोला कि फेवरेबल मतलब हमारे पास बोला प्रोबेबिलिटी किसके निकाली है, मल्टीपल ऑफ 5 की, ब्रैकेट में लेकिन किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, मल्टीपल ऑफ 5 की। अच्छा, कितने 5 आ सकते हैं, 5 के मल्टीपल, देखो 5 कितने बनाने चाहिए आपको, 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10, 5 से 15, 5 4 2 5 5 जा 25, तो कितने मल्टीपल बन रहे 5 के, 5, मतलब फेवरेबल कितना है 5 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 25 हो गया, क्या फेवरेबल मतलब कितने 5 के मल्टीपल थे, तो 5 आ गया अपॉन 25, कोई दिक्कत तो नहीं है। दो ब्लैक बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, मतलब एक बैग है सर ये, उसके अंदर कितनी 2 ब्लैक बॉल्स है और 2 व्हाइट, सॉरी 5 व्हाइट बॉल है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। टोटल बॉल्स पता लग जाएगी, कितनी है टोटल बॉल, 7, तो सर तो टोटल लिखे, तो टोटल बॉल्स कितनी होगी, 7। हमसे पूछ रहा है वो प्रोबेबिलिटी बताओ नॉट व्हाइट की, मतलब व्हाइट बॉल उसने एक बार ऐसे निकाली और ऐसा आपसे बोल करके एक बॉल निकाली, उसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है व्हाइट बॉल नहीं आएगी, व्हाइट बॉल नहीं आएगी, तो व्हाइट बॉल ना आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब देखो व्हाइट नहीं आ रही थी, कितनी वाले बची, 2, 2 दो ब्लैक इधर 2 अपॉन, नीचे क्या आएगा 7, समझ रहे, नॉट व्हाइट मतलब व्हाइट के अलावा कौन सी, तो 2 है व्हाइट के अलावा, 2 अपॉन 7, व्हाइट बोला था तो 5 अपॉन 7, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालने किसकी, ये नंबर दे रखे 3 से लेकर कहां तक 5, 7, 7, 7, 9, 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
क्या बोल रहे हैं, एक नंबर ऐसे निकाला आपने नोट करके, तो क्या प्रोबेबिलिटी है जो नंबर आया वन सफर क्या होगा एवरेज। तो उसके लिए पहले एवरेज तो पता होना चाहिए, एवरेज कितना होगा, एवरेज निकालने का हमने अपने बचपन में पढ़ा होगा क्या होता है एवरेज का फार्मूला, एवरेज ऐसे निकालते हैं जैसे मीन निकालते हैं ना, वैसे एवरेज निकालते हैं, सम अपॉन टोटल ऑफ सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, याद है फार्मूला, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, था कोई फार्मूला ऐसा, ये मीन या एवरेज का फार्मूला होता है ठीक है, टोटल ऑब्जर्वेशन, तो सम निकाले जाएगा सारी ऑब्जर्वेशन का सम किसी निकालेंगे सबको प्लस करना पड़ेगा, चलिए प्लस करते हैं, 3 प्लस 5 कितना होता है 8, 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 7 27, 27 प्लस 7 34, 34 प्लस 9 43 प्लस 9 कितना था, 43 प्लस 9 52, 52 आने 61, 61 प्लस 9 70,
20 अपॉन टोटल ऑब्जेक्शन कितनी ऑब्जेक्शन है 10 3 6 6 4 10 तो कितना आ गया 7 कोई दिक्कत तो नहीं है तो एवरेज कितना आ गया 7 लेकिन आंसर भी खत्म नहीं हुआ अभी तो खाली हमारा एवरेज आया ना हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी कि हमने जो नंबर निकाला वो 7 आएगा कितना आएगा या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरेज प्रोबेबिलिटी किसकी एवरेज आने की तो एवरेज यानी 7 कितनी बार है देखो 7 कितनी बार है 3 बार अपॉन टोटल टोटल कितने नंबर है 10 तो 3 अपॉन समझ आ गया क्लियर इसलिए ऐसा हुआ ठीक दोबारा सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे उसने बोला कि भैया ये बताओ कि जो नंबर निकाला वो एवरेज के बराबर होगा किसके बराबर होगा एवरेज तो हमने बोला चलो एक काम करते पहले एवरेज निकालते हैं ठीक है तो एवरेज निकाला तो कितना है 7 हमने देखा 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है कितने 7 है 3 है और टोटल कितने नंबर है 10 तो 3 अपॉन 10 है चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4th ठीक है बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ठीक कुछ सीखने लायक क्वेश्चन है तो उसने बोला कि हमारे पास नंबर दे रहे कार्ड में लिखे मान लो नंबर -3 -2 -1 -0 -1 -2 -3 ठीक है टोटल कितने नंबर है 7 नंबर है टोटल टोटल नंबर 7 ये दिमाग में उठा लो ठीक अब हमें बोलता है कि भैया प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी मॉड x लेस देन 2 की मतलब हमने जो नंबर निकाला वो x है मान लो तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मॉड x इसका मतलब क्या होता है मॉड x का ये समझो जरा मॉड x मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू डालूंगा ना जैसे मैंने इसके अंदर डाला माइनस का 5 तो आंसर आएगा 5 क्या आंसर आएगा 5 और अगर 7 डाला तो आंसर आएगा 7 मतलब हर वैल्यू पे पॉजिटिव बना देता है क्या बना देता है पॉजिटिव चाहे इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डाले या पॉजिटिव वैल्यू डाले आंसर क्या आएगा पॉजिटिव कोई दिक्कत तो नहीं है जैसे एग्जांपल के लिए मैंने इसके अंदर डाला -3 तो कितना आएगा 3 समझ में आ गया क्लियर तो होता है ये मॉड इसको बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन या फिर एब्सोल्यूट फंक्शन ठीक है आगे रहकर पढ़ोगे आप लोग ये मॉड ये साइन जो लगता है ना ये भी याद रखना है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू या फिर मॉड्यूलस मॉड्यूलस क्या क्या के भी ठीक अच्छा देखो तो करना क्या है उसने बोला हमें चाहिए मॉड एक्स लेस देन 2 किसके अंदर जो भी वैल्यू डालो वो लेस देन 2 आती हो किससे कम आती हो 2 से कम तो सोचते 2 से कम फॉर्म वन होगा सोचते जरा 2 से कम आनी चाहिए माइनस इसको डालोगे तो क्या आएगा 3 लेस देन 2 आएगा कि मोर देन 2 आएगा करके देखते हैं तो -3 डालूंगा तो क्या आएगा लेस देन 2 रहेगा कि नहीं रहेगा 3 या 3 लेस देन 2 होता है नहीं तो ये नहीं आएगा मतलब है ना अगला -2 डालूंगा क्या आएगा -2 इक्वल आ जाएगा 2 लेस देन थोड़ी होता है इक्वल होता है ना ये भी नहीं आएगा ये भी हटा दोगे है ना अगला कौन आएगा -1 तो -1 जब डालूंगा तो -1 लेस देन 2 मैंने बताया -2 क्या कर देगा प्लस तो 1 क्या लेस देन 2 होता है तो बिल्कुल एक नंबर तो -1 हो गया क्या हो गया -1 0 डाल 0 क्या लेस देन 2 होता है 0 बिल्कुल 0 लेस देन 2 होता है तो ये भी आएगा सही है अगली बारी किसकी थी 1 की अब 1 को डालूंगा तो 1 के लेस देन 2 होता है बिल्कुल जी 1 लेस देन 2 होता है तो ये भी आएगा क्लियर अब किसका नंबर आएगा 2 क्या 2 लेस देन 2 होगा नहीं इक्वल हो जाएगा समझ में आ गया 3 भी नहीं आ पाएगा तो हमारे कितने नंबर होगा 3 नंबर आए फेवरेबल तो हमारा प्रोबेबिलिटी जो आएगा वो मॉड एक्स लेस देन 2 के लिए वो पता है कितनी आएगी वो आएगी हमारी 3 अपॉन 7 समझ में आ गया क्योंकि 3 ही तो है ऐसे इनकी प्रोबेबिलिटी ठीक है नोट करो अच्छा क्वेश्चन धीरे-धीरे उस मॉड्यूलस फंक्शन को समझना है मॉड्यूलस एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है जिसके अंदर कोई वैल्यू डाली जाए तो वो क्या आती है पॉजिटिव आती है क्लियर इसलिए अरे वैल्यू को चेक करते हैं क्वेश्चन अगला ये तो बेसिक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ठीक है उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी लिखिए पहले श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट पार्ट में कितनी होती है श्योर इवेंट जो हो गए लोगों से प्रोबेबिलिटी कितनी होगी श्योर 1 होती है कितनी होती है 1 तो पहला कोई दिक्कत तो नहीं सेकंड बोल रहा है इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है फिर होती है 0 कितनी होती है 0 प्रोबेबिलिटी हमेशा किसके बीच आती है 0 और 1 के बीच में आती है तो 0 मतलब जो हो ही नहीं सकता और 1 मतलब जो होगा ही होगा ठीक है दो प्रोबेबिलिटी आपको याद रखनी है 1 किसकी होती है श्योर इवेंट की श्योर और ये होगा कौन सा इम्पॉसिबल कौन सा इवेंट होगा इम्पॉसिबल अब उसमें एक चीज पूछी लास्ट वाले पार्ट में कि किसी इवेंट के लिए थर्ड पार्ट है रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी लिखनी क्या लिखते हैं रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी रेंज मतलब प्रोबेबिलिटी किससे लेकर किसके बीच हो सकती है मैं बोलूंगा देखो प्रोबेबिलिटी की रेंज जो होती है पी की वो 0 और 1 के बीच में होती है मतलब 0 से तो क्या होगी ये बड़ी होगी या उसके बराबर होगी या 1 से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी तो 0 से लेकर 1 के बीच ऐसे लिखा जाएगा
ठीक है, उसने बोला किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को आप उसकी रेंज लिखिए। तो रेंज मतलब कैसे लिखते हैं, रेंज मतलब जैसे रेंज पूछता है ना, वो बोलता नहीं मेरी जो रेंज है यहां से लेकर पेंट करता, तो एक इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ऐसे बता रहे। तो इनिशियल पॉइंट क्या है 0 और फाइनल पॉइंट क्या है 1, तो 0 से लेकर 1 तक, ठीक है, कि 0 से तो बड़ी होगी लेकिन 1 से क्या होगी छोटी। क्लियर हो गया? सिक्स्थ क्वेश्चन है, सिक्स्थ क्वेश्चन में उसने बोला कि हमने डाइस को फेंका, दो डाइस को फेंका, कितने डाइस को फेंका, दो। जब दो डाइस को फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनता है, मतलब आउटकम जो बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, देखो आउटकम जो बन सकते हैं दो डाइस को हमने वो बनते हैं 1,1 ये बनते हैं 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 दो डाइस में फेंकने से बनता है। फिर क्या आएगा 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 और 2,6 तो ये बनेगा। फिर 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 और 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 ऐसे आएगा 4,5 और 4,6 फिर ऐसे 5 के लिए बनेगा, तो 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 और 5,6 और लास्ट में बना लेंगे 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 और लास्ट में 6,6 यही होगा। इससे बोला क्या होगा ना, चलो देखो उसने बोला प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोडक्ट 12 होनी है, प्रोडक्ट क्या चाहिए 12, मतलब हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी किसकी, प्रोडक्ट 12 की बराबर, प्रोडक्ट इज 12। अब प्रोडक्ट मतलब क्या होता है ये समझाते हैं आपको पहले ना, प्रोडक्ट मतलब नंबर को मल्टीप्लाई, जैसे 1 क्या होता है 1, 2 क्या होता है 2, तो ऐसे ढूंढने यहां कितना आ रहा हो 12 आ रहा हो, ठीक है स्टार्ट करते हैं जहां से स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट ये 2 बाद में तो कोई नहीं आएगा, ठीक है 2 की टेबल सबको आती है, हां 2 कितने जा 2 6 जा होता है, एक तो ये वाला मिल गया कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा और 3,4 जा 3,4 जा मिल गया और 4,3 जा मिल गया और 5 में तो आएगा ही नहीं किसी है और 6,2 जा 6,2 जा मिल गया कोई दिक्कत नहीं और तो नहीं है, ठीक है तो कितने ऐसे कितने आउटकम है 4 अपॉन टोटल कितने होंगे पता है 36 तो 4 अपॉन 36 सॉल्व करके कितना आएगा 4 मतलब 4 समझ में आ गया नहीं आ गया क्लियर, तो ये आपका आंसर है क्लियर। ऐसा कर लें एक प्रोडक्ट मतलब समझ आ गया, और अगर सम बोलता तो फिर प्लस करते हैं, जैसे सम मतलब 1+2 कितना होता है 3, ऐसे भी हम सम भी कर सकते हैं, ठीक है वो आएगा तो लास्ट में आएगा 6 6 चलो भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि तीन दोस्त हैं, तीन दोस्त, ठीक है तीन दोस्त की कहानी क्या है, तीन दोस्त की कहानी सबसे अच्छी होती है, ठीक है तो सेम बर्थडे वाला उनका मतलब उनका बर्थडे सेम दिन में नहीं आता, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.992, हमें निकालनी है क्या प्रोबेबिलिटी होगी उनका बर्थडे सेम डे को आता होगा। एक चीज हमने पढ़ी थी याद करो, एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी चीज के होने की प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता था 1, बताई थी चीज तो याद रखना, तो उसके सेम बर्थडे आने का प्लस ना आने का सम कितना होगा 1, तो देखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ आने का 0.0 सेम बर्थडे probability of same birthday birthday plus probability of 0.008 same birthday 0.008 ठीक है same birthday ना आने की probability का सम कितना होगा 1, समझ में आ गया, ठीक है probability किसी चीज के होने की प्लस उसके ना होने की probability का सम 1 होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, same birthday की तो नहीं दे रही है तो निकालनी है, ठीक है same birthday निकाल birthday ये निकालनी है तो इसके काम करते PE मान लेते हैं और जो दे रही जिसे नॉट है उसे बर्थडे को निकल रखने है इसको डायरेक्ट कर दो और अगर बर्थडे से का माइनस करोगे PE कितना आ जाएगा 0.0 को माइनस करोगे तो 0.008 माइनस करोगे 1 में से तो आंसर आपका आ जाएगा, प्लस करोगे तो माइनस हो गया, ठीक है चलो नोट करो जल्दी। चलो देखो क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन कि x क्या क्या हो सकते हैं, तो x 1,2,3 हो सकते हैं, y क्या हो सकता है 1,4,9 हो सकते हैं, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि x y less than 9 हो जाए, इसका मतलब समझते हैं
एक्स क्या क्या हो सकता है, वन टू थ्री में से तीन नंबर हो सकते हैं, वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है और थ्री भी हो सकता है, और वाई क्या क्या हो सकता है, वाई सॉरी फोर और नाइन, ठीक है, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। अच्छा एक्स वाई लेस देन नाइन मतलब एक्स मतलब एक्स वाई को इंटू करा, इनको इनको इंटू करके किससे कमाना चाहिए, नाइन से कमाना चाहिए। एक काम करते हैं ध्यान से देखना, पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं, तुम लोग सैंपल स्पेस कैसे बनेगा तो बहुत आसान है, ध्यान से सुनना। सैंपल स्पेस मतलब सोचो इसमें जब वन आया होगा, पहले वन आया होगा कॉमन, इसमें क्या आया होगा वन आया, मान लो इसमें वन आया लेकिन इसमें क्या आया फोर आया, इसमें वन आया फिर क्या आया इसमें नाइन आया, ऐसे इसमें टू आया तो उसमें क्या आया होगा मान लो वन आया, ठीक है, इसमें जब टू आया तो उसमें क्या आया मान लो फोर आया, इसमें जब टू आया इसमें क्या आया होगा नाइन, इसमें जब थ्री आएगा उसमें क्या होगा वन, थ्री जब फोर और थ्री जब नाइन, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर हो गया, ठीक। ऐसे करके हम सैंपल स्पेस कंस्ट्रक्ट कर लिया, क्या कंस्ट्रक्ट कर लिया, सैंपल स्पेस, हमने ये देखा फोर में नाइन दिख गया, फोर में ये सही है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया, पहले सैंपल स्पेस कैसे बनाया तो दोबारा सुनना। सैंपल स्पेस मतलब एक्स जब निकाल रहे बक्से के अंदर से निकाल रहे, पहले नंबर निकाला मान लो वन आया, दूसरे में जब निकाल रहे तो मान लो पहले वन आ गया, ऐसा भी तो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है पहले में वन आया दूसरे में क्या आया फोर आया फिर वन आया फिर नाइन, क्या उनका बन गया, ठीक है। हमें बता दें प्रोडक्ट जो होना चाहिए एक्स वाई लेस देन नाइन होना चाहिए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, तो देखते हैं मल्टीप्लाई करके कि एक्स वाई लेस देन नाइन कब कब आता है, देखो जरा नाइन से कम आना चाहिए, जिसमें वन वन जा नाइन से कम आता है, ये क्या हो जाएगा ना ये हो गए बिल्कुल, ये वन फोर भी होगा फिर वन फोर जा फोर, फोर भी नाइन से कम आ जाएगा, ये तो नहीं होगा टू कॉमा वन होगा टू कॉमा फोर होगा टू कॉमा नाइन भी होगा नहीं और थ्री कॉमा वन भी होगा, बस तो कितने हो गए पांच, तो फाइव अपॉन टोटल कितने हैं तीन, तीन छह छह तीन नौ, नौ फाइव अपॉन नौ, समझ आ गया, हाँ नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि आपने एक डाइस फेंका, डाइस हमने वन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और उसके क्या मतलब वन ना आने की प्रोबेबिलिटी पूछी उसने, ठीक है, देखिए जरा ध्यान से पहले बताओ वन आने की प्रोबेबिलिटी, पहले डाइस फेंकने में क्या क्या नंबर आ सकते हैं बताओ, डाइस 1 2 3 4 5 6 मतलब सैंपल स्टेज जो बनेगा मतलब क्या क्या आ सकता है, सैंपल स्टेज से कहते हैं 1 1 1 अरे नहीं एक ही डाइस भाई तो 1 2 3 4 5 यही आएगा, क्लियर हो गया, ठीक। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 कितने बने एक ही बने भाई 1/6 और टोटल, और प्रोबेबिलिटी ना 1 आने की तो याद करें 5/6 जो तुमने डायरेक्ट निकाल लिया 5/6 मतलब 1 ना आने की तो यही तो नंबर बचे 5/6 वरना कैसे करते तुम, प्रोबेबिलिटी 1 प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट 1 बराबर कितना होता है दोनों का सम, किस चीज के होने की प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है 1, यहां पे 1/6 रख देते प्लस नॉट 1 निकालना था इज इक्वल टू 1 उधर जाके क्या हो जाता है 6 - 1 5 5/6 कौन सा करना पड़ेगा पहले पूरा करना पड़ेगा, अब पूरा ही आता है ठीक है, समझ गया, लिख सकते हैं लेकिन फॉर्मूला ताकि टीचर को पता लगे तो ज्यादा आता है, नोट कर लो। अच्छा उसने क्वेश्चन में एक और चीज बोली थी, क्या इनकी प्रोबेबिलिटी किसी की हाफ तो नहीं आई ना, नहीं आई, तो उसने बिल्कुल गलत बोला, उसने ऐसा बोलते कि प्रोबेबिलिटी वन की जो आने की होगी वो हाफ होगी, बिल्कुल हाफ तो है ही नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना कि ऐसा भी बोला है, अगर उसमें तीन नंबर 1 होते तब आती है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या सकती है 1 की आगे की प्रोबेबिलिटी हाफ थोड़ी है, अगर उसमें 1 की होते ना 1 की पूछ रहा हूं 1 की अगर 1 3 होते तब आती है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन जो हुआ है वो ऐसा बोला है कि एक बॉक्स है, बॉक्स के अंदर क्या क्या चीजें, 5 रेड मार्बल है तो 5 रेड मार्बल लिख दिए, ठीक है 8 व्हाइट मार्बल है तो 8 व्हाइट मार्बल लिख दिए, और फिर 4 ग्रीन मार्बल है, और मैंने आपके बंद करके एक मार्बल उठा दिया, ठीक है, मैंने वैसे बिना सोच समझे एक मार्बल को उठा दिया, क्या प्रोबेबिलिटी है पहला पार्ट रेड मार्बल आने की, रेड कितने रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल दी। अच्छा पहले बताओ टोटल कितने मार्बल होंगे, टोटल टोटल इज इक्वल टू 19 17 समझ आ गया, ठीक है याले हम के थैंक यू हमारे क्रेडिट है बात करो। अच्छा प्रोबेबिलिटी रेड की, रेड कितने है 5 अपॉन टोटल कितने है 70। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाइट की, तो व्हाइट कितने है 8 अपॉन 70 8 अपॉन
17. लास्ट पूछा उसने थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान सुनना. प्रोबेबिलिटी ग्रीन ना आने की, नॉट ग्रीन. 5 5 8 नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन ना आएगा, तो ग्रीन नहीं आएगा तो क्या हम कर रहे हैं, ये तो आएंगे तो 5 8 13 17. या फिर आप लोग एक और काम कर सकते हैं, छोटा सा ठीक है. आंसर जस्ट 13 17 नहीं आएगा. मैंने क्या कहा था कि चीज के होने की प्लस ना होने की सम 1 होता है, ऐसे ही बोल सकते हैं. तो 1 में से प्रोबेबिलिटी माइनस सकते हैं ग्रीन वाले की, कितना आएगा 1 4 7. ये तो सकता है बता रहा है कि टीचर ने बोला तो कितना है 13 नंबर चढ़. वैसे आंसर उतना भी सही है कि 13 नंबर चढ़ का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तो रेड और वही आएगा वही तो. क्वेश्चन है कि हमारे पास एक पूरा लॉट था 132 पेनों का, ठीक है, उसमें 132 सही पेन थे, ठीक है, दुकान में जाते थे एकदम सही पेन थे 132, उसमें 12 पेन खराब वाले मिक्स कर दिए, ठीक है. अब देख के पता ही लग रहा कि खराब कौन सा सही कौन सा, तो मैंने निकाला और चेक करा कि ये सही होगा या गलत होगा, ठीक है. तो हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी. अच्छा टोटल पेन कितने हो जाएंगे पहले बताओ. 144 टोटल पेन होंगे कितने, 144 कैसे पता, डिफेक्टिव प्लस तो 12 + 1 = 2 कितना होगा 144. अब सवाल आता है हमारे पास कि ये बताओ कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गुड वन की, मतलब सही वाले पेन की. तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, कितने है गुड, 132/144. उसके बाद चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कितना होगा 12 जाएगा 11 जा 12 और ये 12 जा, ठीक है. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उसने बोला था कि डिफेक्टिव पेन और गुड वाले पेन मिक्स हो गए, तो हमने दोनों का टोटल पेन निकाले और प्रोबेबिलिटी निकाली गुड पेन जो क्या 11/12 नोट करो, ठीक है.